राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों से दिक्कत है, वो हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। ये आप लोगों को लग रहा है, करोड़ों लोग जब मुसीबत में फंसे हुए थे कश्मीर में, तब कांग्रेस तो सरकार ही थी। अरे किसी मुझे संसद इसके लिए थोड़ी बना है, कल वो कुरान लेके जाएगा या बाइबल या गीता लेके जाएगा संसद में, बोलेगा ये अरे संसद इसके लिए बना है, देश की तरक्की के लिए बना है, देश के कानून के लिए संसद बना है, देश के बचाने के लिए संसद बना है। हिंदुत्ववादी लोगों को उखाड़ कर फेंकना चाह, जब हमारा मुहिमा 30 सालों से हो रहा था कश्मीर में, तब हम नहीं हम बट नहीं रहे थे। यासीन मलिक जैसे लोगों को ये डिनर पे बुला रहे थे, यासीन मलिक जैसे लोगों को ये अपॉइंटमेंट की लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को चैलेंज कर रहे हैं, एक आम आदमी को। मैं बोल रहा हूँ मेरे को उखाड़ के फेंक, मैंने भी वो वीडियो देखी है कल, जब उसने कल हिंदू भाइयों पे दिल पे ठोस पहुंचाई, और जो लोग उसके पीछे वो तालियां बजा रहे थे वो हिजड़ू से भी बदतर है। वो लोग तालियां बजा रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? वो तालियां बजा रहे थे, हिंदू को कुछ भी बोलेगा, मुस्लिम को कुछ भी बोलेगा। आज उसने हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाई, 35 साल से तो हम पीस रहे थे कश्मीर में, 40 साल से आज हिंदू भाई पे टारगेट किया है, कल किसी और मजहब पे टारगेट के, परसों सिख पे टारगेट करेगा, और अब मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं की फिक्र कर रहे हैं नेशनल कैमरा पे। तो मेरा कुरान ये नहीं कहता किसी का मंदिर तोड़ो, किसी का गुरुद्वारा तोड़ो। मेरा मंदिर ये कहता है जितनी इज्जत अपनी धर्म की करते हो उतना इज्जत दूसरे की धर्म की भी करो। मैं कश्मीर से आज़ाद किया और कश्मीर को फिर से ताज बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, क्या वो हिंदू नहीं है? जब वो हिंदू बन के मेरे कश्मीर में सगा बन के आया, मैं भी सगा बन के हिंदू के लिए बन चुका हूँ। इनके तो दुकानें बंद हो ही गई ना, इतने बड़ा नेता राहुल गांधी बैठे, उनकी दुकानें तो बंद हो गई ना, तभी कल भौंक रहा था कुत्ते की तरह पिल्ले की तरह। अरे मुझे एक बात बता दीजिए, जो लोगों के दिल पे या किसी के धर्म पे ठेस पहुंचाएगा ये तो कम है उसके लिए, उसको रोड पे निकालो। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा राहुल गांधी के पास तो नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? चले जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? सिक्योरिटी में रहते हैं। अरे 140 करोड़ लोग भी रहते हैं इस देश में। अच्छा, हम भारतीय है और भारतीय जिगरा है हमारे पास, समझ रहे हो मेरी बात? और मैं उसको बोलना चाहता हूँ मैं कश्मीरी हूँ, ये बात भी याद रखना। मुझे एक बात बता दीजिए आप, क्या गमछा पहनने वाला हिंदू नहीं है? बगवा पहनने वाला हिंदू नहीं है? कल वो टोपी पहनने वाले को आतंकवादी बोलेगा? आज इसके ऊपर उंगली उठाई, कल हमारे धर्म पे उठाई, जैसे 40 सालों से हम पीस रहे थे कश्मीर में, उसकी देन थी ना वो? कांग्रेस की तो देन थी, कांग्रेस ने तो बर्बाद करके रखा था। लेकिन राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों से दिक्कत है, वो हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। ये आप लोगों को लग रहा है, करोड़ों लोग जब मुसीबत में फंसे हुए थे कश्मीर में, तब कांग्रेस तो सरकार ही थी, तब आपको वो नहीं लग रहा था? अरे उसको किसी धर्म से मतलब नहीं, उसको देश से मतलब नहीं है, उसको देश तोड़ने से मतलब है। अच्छा। इसको धर्म बांटने से मतलब है। मुसलमानों के भी सगे नहीं है क्या? किसके? अरे मैं उन दर्दों से सहा हूँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, जिनके ऊपर गोलियां चल रही थी, जिनके सीनों पे ऊपर गोलियां चल रही थी, आतंकवादी को तार उठा के अंदर भिजवा रहा था और आतंकवादी के दुकान खोल रहे थे और हमारे जैसे युवा मर रहे थे, जब तानाशाही नहीं थी तब हिंसा नहीं थी? अरे किसी मुझे संसद इसके लिए थोड़ी बना है, कल वो कुरान लेके जाएगा या बाइबल या गीता लेके जाएगा संसद में, बोलेगा अरे संसद इसके लिए बना है, देश की तरक्की के लिए बना है, देश के कानून के लिए संसद बना है, देश के बचाने के लिए सांसद बना है, देश को बनाने के लिए सांसद बना है। देश ही बनाना चाहते हैं, नफरत खत्म करना चाहते हैं वो। कौन सी नफरत भाई, कौन सी नफरत? मैं 24 साल का हूँ, आज तक मुझे नहीं पता चला उसका धर्म कौन सा है। जो हिंदू मुस्लिम बट गया है देश, उसको वो खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्ववादी लोगों को उखाड़ कर फेंकना चाहते। जब हमारा मुहिमा 30 सालों से हो रहा था कश्मीर में, तब हम नहीं हम बट नहीं रहे थे। जब कश्मीर हिंदुस्तान से अलग होता जा रहा था तो तब बट नहीं रहा था, तो तब क्यों नहीं? जब हिंदू भाइयों को कश्मीर से भगाया गया था तब हिंसा नहीं थी क्या? तब उस प्राइम मिनिस्टर में उतने पावर नहीं थे, जब उस मनमोहन सिंह में उतने पावर नहीं थे उन हिंदू भाइयों को उधर रोक सका, उन हिंदू भाइयों को सिक्योरिटी दे सका, जो पाकिस्तानी वहां से आतंकवादी घुस के उनको उन लोगों को मार रहे थे, तब हिंसा नहीं थी? आज वो हिंसा की बात कर रहा है। अरे जैसा बाप वैसा बेटा, ये आज का नया नहीं है, यह 70 सालों से करके आ रहे हैं ये लोग। 35 साल से हम पिस रहे हैं कश्मीर में, 40 साल से, 24 साल की मेरी एज होगी, 24 साल से मैं देख रहा हूँ हाल। 70 सालों से कर रहे हैं और काफ़ी समय तक इन्होंने राज कर लिया और इस बार कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं, क्यों आखिर? पहले मुझे उन लोगों पे शर्म आती है जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। अरे हमारी तरफ जाओ, हमारे कश्मीर की तरफ जाओ, फिर देखो कश्मीर को कहाँ लेके गया था ये राहुल गांधी।
फिर देखो कश्मीर को कहां लेके गया था वो कांग्रेस सरकार। यासीन मलिक जैसे लोगों को ये डिनर पे बुला रहे थे, यासीन मलिक जैसे लोगों को ये अपॉइंटमेंट की लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसको बोल रहे कुंडी ना खड़का उस राजा, सीधा अंदर आ जाओ राजा, वही सिस्टम था इनका। और इनका पाला था मिल्टन उसे, जो हमने देखा, मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा, जो हमने देखा वही बात करेंगे भाई, और हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मुझे एक बात बता दिए, जिसने 35 साल कश्मीर में राज किया, तो इस बार खाता भी नहीं खुल पाया कांग्रेस सरकार कश्मीर में। उस जम्मू कश्मीर को पता चला कि हमारे ऊपर राजनीति की जाती थी और हमारे युवाओं को मारा जाता था, तो वही करोड़ों लोग आज जाग गए और खाता भी खुलने नहीं दिया कांग्रेस सरकार। कश्मीरी साहब, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, आपने जो बोला खाता नहीं खुला कश्मीर में, संसद में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला कर ये बोल रहे हैं, जहां जहां बीजेपी की जड़ें हैं ना, वहां से उखाड़ कर फेंकेंगे। गुजरात का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि इस बार गुजरात छीनने जा रहे हैं। एक बात बताना, छोटा सा युवा बैठा इधर आपको चैलेंज देता है, मेरे को उखाड़ के फेंक, तेरे को मर्द मान लूंगा मैं। आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को चैलेंज कर रहे हैं, एक आम आदमी को। मैं बोल रहा हूँ मेरे को उखाड़ के फेंक, मैं एक जड़ भाजपा का हूँ जम्मू कश्मीर में, मेरे जैसे जड़ पता नहीं कितने, उखाड़ के तो फेंक। हम बेवड़े बोतल चपलाने व पीने वाले नहीं है, हम इस देश के नागरिक है, हम इस देश के सच्चा नागरिक है। हमारे पास कोई पहचान पत्र ही नहीं थी, आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हो, आतंकवादी के नजर से देखा जाता था। अरे कांग्रेस ने दो दो पहचान पत्र आपको दिया, कश्मीरी की नागरिकता अलग दी, भारत की नागरिकता अलग दी। कौन सी नागरिकता? क्यों ना कौन सी नागरिकता भाई, दो तो थी। अरे दिल्ली में आके हमें आतंकवादी बुला रहे थे, आप उस नागरिकता की बात कर रहे हो। आज फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, आज फख्र से कहता हूँ मैं भारत का नागरिक हूँ। दोहरी नागरिकता नहीं चाहिए? अरे अरे हमें बोलने की आजादी नहीं थी कश्मीर में, तो आपकी माइक की बात थी नहीं। आज चांदनी चौक में आपको लड़का बोल रहा है और आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे हम कश्मीर में, कश्मीर खुद हूँ मैं, कश्मीर खुद आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा वो सारा कश्मीर आपको बोलेगा, क्योंकि हमने वो दर्द सहे भाई, हम उस मुसीबतों से निकले हुए लोग हैं। अच्छा आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, तमाम विपक्ष का जो गठबंधन है वो सारे। मेरी बात सुनो, मैंने भी वो वीडियो देखी है कल, जब उसने कल हिंदू वायु पे दिल पे ठोस पहुंचाई, और जो लोग उसके पीछे वो तालियां बजा रहे थे वो हिजड़ू से भी बदतर है। अच्छा। वो हिजड़ू से भी बदतर है। हाँ। जो लोग तालियां बजा रहे थे क्या वो हिंदू नहीं थे? वो तालियां बजा रहे थे, हिंदू को कुछ भी बोलेगा, मुस्लिम को कुछ भी बोलेगा। मैं उन हिंदू भाई को बोलना चाहता हूँ, जाग जाओ, अभी भी टाइम है, जाग जाओ। काश मैं हिंदू भाई के लिए अभी इधर इसीलिए आया हूँ क्योंकि उसके विरोध के ऊपर, अरे हदे कुछ भी, आज उसने हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाई, 35 साल से तो हम पीस रहे थे कश्मीर में, 40 साल से, आज हिंदू भाई पे टारगेट किया है, कल किसी और मजहब पे टारगेट के, परसों सिख पे टारगेट करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमान हैं और आप मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं की फिक्र कर रहे हैं नेशनल कैमरा पे। तो मेरा कुरान ये नहीं कहता, किसी का मंदिर तोड़ो, किसी का गुरुद्वारा तोड़ो। मेरा मंदिर ये कहता है जितनी इज्जत अपनी धर्म की करते हो उतना इज्जत दूसरे की धर्म की भी करो। मेरा धर्म ये कहता है, मेरा मोहम्मद ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म पे उंगली उठाओ, मेरा मोहम्मद ये सिखाता है कि प्यार से हर किसी के साथ पेश आओ, क्योंकि आपके धर्म की तारीफ कोई पराया धर्म का करना चाहिए, मेरा धर्म ये सिखाता है। सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि भारत में तो ये छवि बनी हुई है कि मुसलमान प्रताड़ित है हिंदुओं से, भाजपा से, आप खुल के समर्थन हिंदुओं का कर रहे हैं। ऐसी बात है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, हम कश्मीर में जब हम पीस रहे थे, जब नॉन मुस्लिम होकर नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ के आया और हमें कश्मीर से आजाद किया, क्या उस हिंदू के लिए मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? जब करोड़ों लोग वहां पे मर रहे थे, हजारों मेरे जैसे युवा मर रहे थे, हिंदू बन के वहां पे आया, जो अपने नॉन मुस्लिम ने, अपने मुसलमानों ने करके नहीं दिखा, नॉन मुस्लिम होके हमारे हमें कश्मीर से आजाद किया और कश्मीर को फिर से ताज बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, क्या वो हिंदू नहीं है? जब वो हिंदू बन के मेरे कश्मीर में सगा बन के आया, मैं भी सगा बन के हिंदू के लिए बन चुका हूँ। और जो विरोध करते मौलवी, उनका क्या होगा फिर भारत में? अगर आप जैसे मुसलमान ऐसे खुल के बोलना शुरू कर दिया हिंदुओं के लिए, देश के लिए, इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके तो दुकानें बंद हो ही गए ना, इतने बड़ा नेता राहुल गांधी बैठे, उनकी दुकानें तो बंद हो गई ना, तभी कल बोल रहा था कुत्ते की तरह, पिल्ले की तरह किसी के धर्म पे उंगली उठाएगा, ऐसा थोड़ी है। सांसद इसलिए नहीं बना है, अरे सांसद इसलिए बना है
मुझे एक बात बताइए, कल वो स्पीकर को भी स्पीकर पद को भी कुछ बोल रहा था, मैं सुन रहा, मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो 1:30 बजे रात को मैं भी वो वीडियो देख रहा था। मुझे एक बात बताइए, कुछ भी बोलते हैं तभी तो सुर्खियों में रहते हैं, वो बेतुके बयान दे, उसका पता ही नहीं, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मीडिया मेरे सामने आएगा ही नहीं, इसलिए बोलते हैं। अरे हमसे लिख के ले लो, हम कांग्रेस का अंदर का जान चुके हैं कश्मीरी, हमें सब पता है। कश्मीरियों की तो आंखें खुल गई हैं। कांग्रेस के लिए कश्मीर रोजी रोटी बनी थी, जो कांग्रेस के लिए कश्मीर एक मुद्दा बना था, वो मुद्दे खत्म किए नरेंद्र मोदी ने, वो 370 चला चला कर बोल रहा है सांसद में। अरे 370 मेरे लिए था ही क्या, मुझे एक बात बता दीजिए, आतंकी तो दुकानें थे, लाल चौक में पीला झंडा ही तो दिख रहा था, तो हमें चाहिए नहीं है, हम विरोध के लिए खड़े हैं। 140 करोड़ लोग निकले हैं इस देश के लिए और इसको भगा के रहेंगे इस देश में। बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों के बीच में मौजूद है दिल्ली चांदनी चौक में, और राहुल गांधी के बयान को लेकर जनता में कितना गुस्सा है आप लोगों ने ये भी देखा। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।